इस बीच हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं बूथ पर। हेमंत सोरेन वोट डालने पहुंचे हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ में है। और हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं वोट डालने के लिए अभी पहुंचे हैं वो कल्पना सोरेन के साथ। उम्मीद है कि उनसे भी मीडिया की बातचीत होगी। और 11:30 ग्यारह बजे के आसपास फिर एक बार जो स्टार मतदाता हैं वो पहुंचे हैं मत डालने के लिए। हेमंत सोरेन को आप बूथ पर देख रहे हैं, उनके साथ कल्पना सोरेन भी हैं जो उनकी पत्नी हैं। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन वोट डालने के लिए पहुंचे, बूथ के अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। अमिता हमारे साथ जुड़ी हुई है वहां से। अमिता बातचीत करने की कोशिश करेंगी। हेमंत सोरेन वोट डालने के लिए सीधे पहुंचे बूथ पर। भी चला गया, ये भी तो यहां तक जा सकता है। जो प्रोसेस है उसे पूरा किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं, कल्पना सोरेन के साथ जो उनकी पत्नी है उनके साथ वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर पहले सिल्ली में सुदेश महतो वोट डालने पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ। यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, सीपी सिंह, तमाम लोग धीरे धीरे बूथ पर पहुंचे और उन सब ने वोट डाला है। अगर आप अब भी अपने घर में बंद हैं तो बाहर निकलिए। हालांकि रांची में 5 बजे तक मतदान है, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। अब आप देख सकते हैं वोट डालने के लिए ईवीएम तक पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। अब तक जो थोड़ी असुविधा हुई वो सुबोध कांत सहाय को हुई जब वो पहुंचे 1.5 घंटे तक। अब ये स्याही लगी उंगली दिखाई हेमंत सोरेन ने। मतदान केंद्र पर भी मीडिया कर्मियों की भीड़ है, आप देख सकते हैं। और कल्पना सोरेन वो वोट डालने के लिए पहुंची हैं बूथ पर। हेमंत सोरेन इंतजार कर रहे हैं उनके वोट डालने का और फिर दोनों साथ ही निकलेंगे संभवतः। खासियत इस लोकतंत्र की यही है, ऐसा लगता है जैसे कि पारिवारिक उत्सव हो, पूरा परिवार बाहर निकलता है। जितने लोग वोट डालने वाले होते हैं सभी बाहर निकलते हैं और उसके बाद ये आप देखें कि वोट कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों ने ही वोट डाल दिया है और स्याही लगी उंगली वो दिखा रहे हैं। इसका एक महत्व है, एक सांकेतिक महत्व है। जब आपका नेता
स्याही लगी उंगली दिखाता है तो ये एक तरह से आपको संकेत करता है कि अगर आप कहीं भी हैं, कहीं भी मौजूद हैं, तो बाहर निकलें और वोट डालें। हेमंत सोरेन बात कर रहे हैं मीडिया से, हम सीधा वहां का रुख करेंगे। एक मिनट, नीचे नीचे आप पटी में, आप दरगाह पटी पहले। इस वक्त हमारे साथ हेमंत सोरेन जी है। हेमंत सोरेन ने अभी अपना वोट कास्ट किया है। हेमंत जी, अभी आपने अपना वोट कास्ट किया है, ये बताइए। चलो मैं आगे चलो, यहाँ पर क्यों तुम लोग हम पर एक फायर फायर करो? चलो चलो ऊपर। अरे मत कीजिए वैसे यार, बस बस रहने दीजिए प्लीज। इस वक्त हमारे साथ 500 मीटर ज्यादा, 500 मीटर के ऊपर तो चलिए फिर। यहाँ नहीं होगा 500 मीटर। सीढ़ी में आप लोग चिट लगेगा, सीढ़ी के बाहर, सीढ़ी के बाहर चढ़िए। काहे के लिए मुझे कोर्ट के तरीका चक्कर लगवा रहे हो? सीढ़ी के पास जो नॉर्म्स हैं उससे बाहर नहीं जाना चाहते हैं हेमंत। और हेमंत सोरेन ने अभी कुछ देर पहले ही वोट डाला है। और अमिता हमारे रिपोर्टर जो हैं वो वहां मौजूद हैं। हेमंत सोरेन धीरे धीरे वहां मतदान केंद्र से थोड़ा आगे निकलकर जो मीडिया कर्मी है उनसे बात करना चाहेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो मीडिया से क्या बातचीत करते हैं। इससे पहले सुदेश महतो ने जो बातें की वो हमने देखी। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो मीडिया से बातचीत करें और फिर उनकी जो बातचीत है वो हम आपको सुनाएंगे। अब संभवतः वो सेफ डिस्टेंस तक पहुंच चुके होंगे और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो वोट डालने पहुंचे थे। सीधा वो मतदान केंद्र पर पहुंचे, सेफ प्लेस पर पहुंच चुके हैं। आज तीसरे चरण का मतदान में हमें भी अपने मतों का प्रयोग करने का शुभ अवसर मिला और हम लोगों ने सपरिवार अपना मतों का उपयोग किया है। और अभी तीसरा चरण का मतदान आज दिन भर है, 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद शाम से आपको या 2-3 बजे से आप लोग को कई खबरें सुनने को भी मिलेंगी और उस समय हम लोग बात करेंगे। अभी तो हम लोग प्रचार प्रसार में फिर चौथे चरण के में जा रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं पूरे झारखंड वासियों को कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के पर्व को मनाएं और अपनी अपनी मतों का उपयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने की कड़ी में अपनी भूमिका निभाए। सर, आप जब मतदान करते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है? 17 सीटों में बीजेपी के कब्जे में है, इस बार क्या आपको महागठबंधन की उम्मीदें दिख रही है तीसरे चरण में? पहले और दूसरे चरण का क्या हाल है? और वही हाल इस चरण में भी होगा। आप पहला दूसरा चरण का जो स्थिति बनी है उससे बेहतर स्थिति इस बार भी बनेगी। हाँ, आज एक प्रोग्राम है। देखिए अभी तक तो हम यहीं पर हैं लेकिन कई प्रोग्राम बीच में भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहुँचूँ, साथ में हम लोग कार्यक्रम करें और देखते हैं क्या हम लोग का समय बन पाता है। प्रधानमंत्री जी का भी दौरा है तो आपको काफी परेशानी होती है, आज भी उनका दौरा है? आज भी उनका दौरा है, इसके बाद भी दौरा है, हर चुनाव और चुनाव से पहले उनका दौरा हो जाता है। पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ दौरा करने आते हैं या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता के हैसियत से करने आते हैं? और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिला है कि इस पद का अपने राजनीतिक लाभ के लिए सदुपयोग करें और एन के एन प्रकार हमारे चुनाव प्रचार में कैसे बाधाएं आए लेकिन हम बिना रुके बिना थके और उनके आने के बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग चीज़ों को छोड़ देते हैं।
उसकी कंपनसेट हम लोग बड़ी तेजी से कर लेते हैं और करने का कोशिश भी करते हैं। यहाँ आपके साथ कोई घटना घटेगा तो राज्य का मुख्यमंत्री साथ रहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री रहेंगे? और प्रधानमंत्री जी को जो जिम्मा मिला है उसके लिए चुनाव हो चुका है, क्या अब ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा बदल दिया है क्या? भारतीय जनता पार्टी ये पहले स्पष्ट करे कि आज क्या इनका जो रघुवर जी का इन्होंने जो चेहरा आगे किया है, क्या उस चेहरे से ये मुकर गए हैं क्या?